जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, तो दोस्तों उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सभी लोगों को प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों देर न करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि परिसर में संचालित BTech समस्त ब्रांच, MCA एवं MTech समस्त ब्रांच के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सत्र 2020-21 के अंतिम सेमेस्टर की संस्थागत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने, ऑनलाइन शुल्क जमा करने, विभाग में आवेदन फॉर्म जमा करने और विभाग द्वारा सत्यापन करने, प्रवेश पत्र निर्गत वितरण करने, मौखिक परीक्षा एवं लिखित परीक्षा हेतु निम्न तिथियां निर्धारित की जाती हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आप सभी लोगों का BTech, MCA और MTech के छात्रों के लिए कुछ तिथियां जो है निर्धारित की गई हैं। तो जैसा कि तिथि दिया गया है, ऑनलाइन संस्थागत परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है वह 3/7 अर्थात 3 जुलाई 2021 से 13 जुलाई 2021 तक है। छात्रों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह 3 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 तक है। छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म एवं शुल्क रसीद जमा करने की जो तिथि है वह 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच निर्धारित की गई है। और विभाग द्वारा फॉर्म का सत्यापन करने की जो तिथि है वह 17 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। और प्रवेश पत्र निर्गत एवं वितरण की जो तिथि है वह 21/7/2021 अर्थात दोस्तों 21 जुलाई 2021 से आप लोग 24 जुलाई 2021 तक अपने प्रवेश पत्र का निर्गत एवं वितरण की तिथि आप लोगों का दिया गया है। मौखिक परीक्षा की जो तिथि है वह 26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक है। और लिखित परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि है वह 2/8/2021 से 13/8/2021 है, अर्थात दोस्तों 2 अगस्त से 13 अगस्त के बीच आप लोगों की परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। इसके बाद दोस्तों टिप्पणी के रूप में दिया गया है कि शासन के निर्देशानुसार समस्त परीक्षाएं 14 अगस्त 2021 तक संपन्न कराया जाना अनिवार्य है और परीक्षा की विस्तृत समय सारणी यथा समय जो है घोषित की जाए परीक्षा नियंत्रक के द्वारा। दोस्तों देख सकते हैं यह सूचना जो है जारी की गई है। तो दोस्तों आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आप सभी लोगों को हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।